भाजपा से इटावा सांसद राम शंकर कटेरिया को दिनांक 5 अगस्त दिन शनिवार को जिला न्यायालय की एमएलए एमपी कोर्ट द्वारा टोरेंट पावर के अधिकारियों के साथ मारपीट और बलवा की धारा 323 और 147 में दोषी करार पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा चर्चा का विषय बन गई है। भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया को 2 साल की सजा मुकर्रर हो जाने के बाद यह चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की तरह सांसद रामशंकर कटेरिया का सरकारी बंगला कब खाली कराया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष कब भाजपा सांसद की सदस्यता अयोग्य घोषित करेंगे। लेकिन गोपनीय सूत्रों की माने तो भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया की राजनीति खत्म करने का कुचक्र रचा गया है। कहने को तो रामशंकर कटेरिया को रोकने की साजिश लोकसभा चुनाव 2019 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इटावा से रामशंकर कटेरिया के जीतने से दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अपने दुश्मनों से बेफिक्र भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया अपनी सजा के पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ मान रहे हैं। रामशंकर कटेरिया का कहना है कि सजा के खिलाफ आगे अपील करेंगे। शमशाबाद रोड आगरा पर एक महिला प्रेस करती थी, प्रेस कपड़ों पर ऐसी समाज की थी। उनका एक टोरंटो का मामला था, उनका बिल जो है ज़्यादा आ गया था, तो वो काफ़ी परेशान थी। तो वो मेरे पास आई थी तो मैंने फ़ोन किया टोरंटो को, बात की तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूँगा। उसके 8 दिन बाद वो महिला अपने बच्चों को लेकर हमारे पंडारी कैंपस पर आए और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ है, मैं सुसाइड कर लूँगी, और बहुत तेज़ी से रोने लगी। तो मैं वहाँ से उठ करके टोरंटो के ऑफिस में गया और उसके बाद वहाँ पर उनसे कहा तो वो ठीक हो गया। उसमें चूंकि बसपा की उस समय शायद सरकार थी, तो उस समय मेरे ऊपर पॉलिटिकली कई इस तरह के मुकदमे लिखे गए थे, उसी क्रम में ये भी मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया। उसमें जो बादी थे उन्होंने कहा कि सांसद जी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं, और जो गवाह थे उन्होंने कहा कि मैं सांसद जी को देखा भी नहीं ऑफिस में। इन सब के बावजूद 323 और 147 में मुकदमा लिखा गया और आज माननीय कोर्ट आगरा ने जो 323 की सज़ा 1 साल की होती है वो और 147 की सज़ा होती है 2 साल की, ऐसा उन्होंने 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया है और उसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी है। कोर्ट का जो डिसीजन है उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और जो मुझे राइट है अपील का वो अपील करूँगा। भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया को निचली अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद जनता मान रही है कि रामशंकर कटेरिया का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में रामशंकर कटेरिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सालों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खंडारी कैंपस में घेरे बैठे सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो रामशंकर कटेरिया भाजपा के अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।